किसानों की क्या हालत है। मैंने भी उनको प्रेरित किया कि ये आपका दल है, इसमें आओ, और खुले मन से उन्होंने मेरे नियुक्ति को स्वीकार किया और आए, और इनके निमंत्रण पर आज मैं यहां हूं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी किसान के इस काम के वक्त में किसान के दुख और पीड़ा आपसे बेहतर कौन जान सकता है, यही आपका जीवन है। कभी मार्केट की फोर्सेस के खिलाफ, कभी प्रकृति की मार आप पे पड़ती है, वो भी झेलना पड़ता है। आप खुश होते हो सोच के कि हमने पैदावार रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप करी है, लेकिन तब आपको दाम नहीं मिलता। सरकार आप चुनते हो, आप बदलते हो, लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं चुनाव में, तो किसान के परिवार के सदस्य होते हैं, किसान के आधार पे उनकी राजनीति टिकी होती है, और वहां बैठ के वो दूसरा राग अलापते हैं। तो व्यवस्था से हमें और आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। बीते दिनों में फिर नुकसान हुआ आपका, धान की फसल खराब हुई है, बाजरा की हुई है, लाया की हुई है, आलू की फसल खराब हुई है, और यहां तो धान की बहुत बड़ी पैदावार आप करते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बारिश हुई और सबको पता है कि 30 से 50% भी कई खेतों में उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई सरकार का नुमाइंदा, किसी बीमा कंपनी का कोई प्रतिनिधि, सर्वेक्षण करने कोई लेखपाल, कोई अधिकारी आपके खेत में पहुंचा क्या? तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? क्या किसी की जवाबदेही नहीं बनती? आज खाद की किल्लत हो रही है, खाद की डीएपी की कमी है। सूर्य प्रताप कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, उनका बयान मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हमने कृषि मंत्री देश के उनसे बात कर ली है, और इतनी रेक आएंगी और पर्याप्त खाद है। कौन जिम्मेदार है? ललितपुर बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका, वहां एक किसान तो लाइन में खड़ा खड़ा 3 दिन से उसकी सेहत बिगड़ गई, उसका निधन हो गया। उसी जिले का एक और किसान, वो बहुत तंग था, निराश था, उसे खाद नहीं मिल पाया था, उसने आत्महत्या कर ली। ये चीज कभी लिखा पढ़त में तो आती नहीं, क्यों? सरकार कभी मानेगी नहीं, सरकार कहेगी नहीं नहीं, इसकी तो दूसरी परिस्थितियां थी, इसके परिवार में तनाव था, इसलिए इसने आत्महत्या की। खाद की कोई किल्लत नहीं है, सच्चाई आप जानते हो, सच्चाई हम जानते हैं। ये लोग तो मुंह मोड़ लेना चाहते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो, हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भले आदमी है, वैसे गलत जगह पहुंच गए, मैं उनका बयान देख रहा था, कह रहे हैं कि हमने नई योजना निकाली उड़ान 2, ऐसे लगता है कि जी फिल्म का नाम है उड़ान, उड़ान 2 कहते हैं। उड़ान 2 के माध्यम से हमारे देश का किसान अपना पाइनएप्पल भी विदेश में बेच सकेगा। कोई किसान यहां तो बहुत प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छे समझदार, मैं पूछना चाहता हूं यहां कोई है जो अपनी उपज को हवाई जहाज में लगाकर कहीं भेजेगा विदेश में? कौन किसान कर सकता है काम? लेकिन रुक जाओ, लेकिन मंत्री जी का दावा सुनिए, वो कहते हैं कि इससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब कितना तो पैसा बर्बाद हो रहा होगा, अब तो कोई सरकारी कंपनी भी नहीं है हवाई जहाज की, इसका फायदा वो कह रहे हैं कि 1% जो एटीएफ का जो फ्यूल है, 1% सभी राज्य सरकार सेल्स टैक्स उस पर माफ कर दे, तब ये योजना चलेगी। उसका लाभ किसी किसान को मिलेगा क्या? कुछ कंपनियों को मिल जाएगा लाभ। 2 महीने बचे हैं 2022 में, मोदी जी ने कहा था आय दुगनी होगी, सिंधिया जी भले आदमी कह रहे हैं कि 2 महीने में आय दुगनी हो जाएगी उड़ान 2 से, क्या है किसी की जवाबदेही? लेकिन यहां से निकल के आप बिलासपुर से निकल के चले जाओ, कर्नाटक तक जाओगे,
तो बड़ी बड़ी तस्वीर लग रही, होर्डिंग लग रही है, योगी जी की तस्वीर और मुस्कुराते हुए तस्वीर, हमने तो कभी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं। हमारी तरफ तो घूर के देखते हैं मुख्यमंत्री। बाबा लोग में तो बड़ा ठहराव होना चाहिए, जो अध्यात्म का जीवन, कोई मौलाना हो जिसने सिद्धि हासिल की हो, कोई पीर बाबा हो, कोई महंत हो, तो हम तो ये लोग मानते हैं कि वो ध्यान में अपना समय काटते हैं, उनके अंदर तो बहुत शांति होनी चाहिए। आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, मुझ जैसा नौजवान जब इनके साथ बैठता है तो हमें सुकून मिलता है, ठहराव मिलता है हमें अपने जीवन में। मैं चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जब बैठा करता था, मुझे लगता था कि एक छत्र छाया मिल रही है मुझे। ये ऐसे बाबा आ गए, ऐसे बुजुर्ग आ गए कि ना तो ये बुजुर्ग हैं ना ही ये बाबा है। ये धमकाते हैं रोज, इनके बयान में धमकाने वाली भाषा होती है। कभी अधिकारी को धमका रहे हैं, कभी अपनों को ही धमका रहे हैं, जनता को ही धमका रहे हैं। तो कर्नाटक तक उनकी तस्वीर लग रही है और दावा है कि यूपी बन गया नंबर वन। किस चीज में नंबर वन हो गए? अपराध में तो नंबर वन है, अत्याचार रोज होता है लोगों के साथ, गरीब आदमी के साथ। किस चीज में नंबर वन? सत्ताधारी लोग सबसे ज्यादा कहीं झूठ बोलते हो तो हमारे यूपी में झूठ बोलते हैं, इसमें नंबर वन है। तो धीमे धीमे अपने आप इनकी पोल खुलने लगी है, इनके नीचे की जमीन खिसकने लगी है और ये बड़े उसमें हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन हमने सरकारें बहुत देखी, कभी इस तरह की सरकार नहीं देखी जहां इतनी असंवेदनशीलता हो। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक छोटी सी पंक्ति दो लाइन में आपके बीच रखता हूं और मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में ये बात कहता हूं। सुलग सुलग री जोत, दीप से दीप मिले, कण 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 बज उठे, भूमि पे प्राण फले। इन शब्दों का कई मतलब आप निकाल सकते हो। मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो हमारे किसानों ने जोत जलाई, कुर्बानियां दी हैं, आपके जिले के किसानों ने कुर्बानियां दी हैं, मोर्चे पर बैठे किसानों ने कुर्बानियां दी, लखीमपुर उस घटना में जिनकी हत्या की गई उनके परिवारों ने, उन किसानों ने कुर्बानियां दी। आप आंदोलनकारी को दो चार को मार सकते हो, कुचल सकते हो, बंद कर सकते हो, हम लोगों के मुंह पे टेप लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई आंदोलन खत्म इसलिए नहीं होता कि दीप से दीप मिल रहे हैं, लोगों की भावना जाग गई और ये जीवनदायी रहेगा। मैं जानता हूं कि उन परिवारों का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जूझना तो उनको ही पड़ेगा। दो चार दिन तक लोगों का ध्यान रहता है, रौनक रहती है, कड़वी सच्चाई है। उनको अपने जीवन की परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है, संवारना पड़ता है। उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी है और जिस तरह से समाज ने उसके बाद एका दिखाया, आगे आए लोग, कोई उत्तराखंड से आया, कोई हरियाणा राजस्थान से यहां बीच आपके आए, उन परिवारों से उन्होंने संपर्क साधा और कहा कि हम तुम्हारे साथ, एक उम्मीद जगी लोगों के मन में कि नहीं, किसान तो किसान होता है, किसान का खून एक है, किसान की ना कोई जात पात ना कोई धर्म। और इसलिए मैं उन परिवारों को एहसास दिलाना चाहता हूं कि आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और हमने अध्ययन किया है कि हम लोग क्या करेंगे जो सरकार बनेगी। मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूं, रामपुर की जमीन से बिलासपुर की, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप हमें ताकत देंगे, सरकार हमारी बनेगी। कोई बात नहीं, पसीना तो आता है मुझे, ज्यादा आता है। कैमरी है वह जिला तो रामपुर ही है। कि हमारी जब सरकार बनेगी, पहले विधानसभा सत्र में हम प्रस्ताव पारित करेंगे, जैसे दूसरे विपक्ष के कुछ राज्यों ने किया है, कि हम सरकार से कहेंगे कि कानून वापस ले सरकार। और जो परिवार, जो किसान जिन्होंने कुर्बानी दी, सरकार उनको शहीद का दर्जा दिलाएगी। ये लोग उनको कुछ नहीं मानते,
आज भी न्याय की स्थिति यह है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो दूसरी एफआईआर किसान भाइयों के खिलाफ लिखी गई है सरकार के दबाव में, उनका ध्यान वहां ज्यादा है। मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं, और जब चाहे साहबजादे जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो जेल से निकाल के उनको अस्पताल में ठीक ठाक जगह पे, ताकि उनका इंतजाम बढ़िया रह सके, उनके वहां रखरखाव हो रहा है। और किसी साधारण किसान पे, उसके साथ इस सरकार का क्या व्यवहार है? हमारे यूपी का गरीब आदमी जाके मध्य प्रदेश में चूड़ी बेच रहा था, किस तरह से सरकार ने उसके खिलाफ उसको आतंकवादी बता दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उसे बताया गया इसकी तो जड़ें पाकिस्तान से, और बंद कर दिया। मोदी जी जब से आए हैं, यूएपीए कानून, जो सख्त कानून आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ बनाया गया है, 8,300 लोग जेल में बंद हैं। लोगों को नहीं पता क्या उन्होंने क्या नहीं किया, मैं नहीं कह रहा कि उनमें क्या है सच्चाई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 8,300 लोग, ये मेरे शब्द नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी खबर छापी और बताया किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कानून। और जब 26 जनवरी की घटना हुई थी, जब किसान ट्रैक्टर लेके गए थे, राजधानी किसकी है? राजधानी तो हमारी आपकी है, किसान की राजधानी है। वो तस्वीर याद करो, 23 दिसंबर की रैली बोट क्लब पे, जब चौधरी चरण सिंह जी को आपने अपना आशीर्वाद दिया था, उनके उनकी उनकी ताकत को पहचाना था देश भर ने, वो किसान लोग थे, वही बोट क्लब, वही राष्ट्रपति भवन, वही आपकी राजधानी। और आज देश में सरकार ऐसी बन गई कि आप दिल्ली में घुस नहीं सकते, आपको घुसने नहीं दिया जाता। और जब 26 जनवरी की वो घटना हुई, जब पुलिस ने मुकदमे लिखने शुरू किए, तो किसान पे सबसे पहले उन्होंने यही धमकी दी थी कि यूएपीए की धारा लगाएंगे आपके खिलाफ, तो यूएपीए लग सकती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान को रौंद के चले जाएंगे, क्या वो आतंकवादी नहीं है? उन पे आपने सिर्फ 120B का मुकदमा दर्ज किया मंत्री जी पे, क्या यूएपीए की धारा उन पे नहीं लगनी चाहिए थी जिन्होंने लखीमपुर का कृत्य किया, नंगा नाच? फर्क यही है, चश्मे नजर का फर्क है, नजर उनकी खराब है। बैठ जाओ, ये जिंदाबाद की बात, मौका नहीं है जिंदाबाद का, गंभीर बात हो रही है। सरकार यदि आपकी होती, इतना लंबा आपको आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके वकील मजबूत होते देश के पार्लियामेंट में, तो आपको इस तरह से काम छोड़ के, धंधे छोड़ के, व्यापार छोड़ के, खेती छोड़ के, परिवार छोड़कर ये कुर्बानी देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये चाबी आपके हाथ में है, मैं तो यहां अपनी बात कह के निकल जाऊंगा, करना आप लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ। फिर लोग आके बांटेंगे, कहेंगे ये तो किसान नहीं, ये तो सरदार थे, ये तो खालिस्तानी थे, ये तो जाट हैं, ये तो दलाल लोग हैं, ये तो सीमित लोग हैं, इनके पास बहुत षड्यंत्र हैं। एक रात में इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया था, ये कुछ भी कर सकते। लेकिन आप जानते हो कि देश शक्तिशाली कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में तरक्की कैसे होगी, कि जब हम पहचानेंगे इस बात को कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे दुआब का क्षेत्र है, जो हमारा संगम है, ये पवित्र संगम है, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, जितना हम लोग एक रहेंगे, हमारी मुट्ठी बंद रहेगी और ताकतवर रहेगी। तो सतर्क रहने की जरूरत है, वोट के माध्यम से आप परिवर्तन लाओगे। और जब वोट आप करोगे, मैं अपने तरफ से मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस पर कुछ बात आपके यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर राजनीति में मुद्दों की बात ही नहीं होती, चुनाव में मुद्दों की बात नहीं होती, तब तो बता जाता मैं थारा हूं, मैं ये फलाने गांव का हूं, और हालात तो ऐसे होते हैं, कैंडिडेट जब चल रहा होता है चुनाव में, तो सामने से बकरी चल रही होगी, उसकी भी राम राम लेगा, उस समय तो ऐसा माहौल होता है, भावनाओं पर टिकी है राजनीति। लेकिन अभी समय है, हमें और आपको विचारना है कि हमारे मुद्दे क्या है। इस सरकार को आपने देख लिया, खूब मौका दिया नौजवानों ने, भरपूर मौका दिया इनको, आपने विश्वास किया,
आपके साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा झूठ बोला है आपको, ना नौकरी मिल रही, ना कारोबार बच रहे, ना मजदूरी करने वाले का कुछ सम्मान है, और इन परिस्थितियों में आपको अपने विकल्प बनाने हैं। तो मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं। हमने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया, और जरा याद करो आपने कितने चुनाव देखे हैं। ऐसा कभी हुआ कि चुनाव के 5 महीने पहले किसी पार्टी ने घोषणा करनी शुरू कर दी हो कि सरकार में हम आके क्या करेंगे? कभी हुआ? कभी नहीं हुआ ना। ये तो चुनाव के एक सप्ताह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज होता है मैनिफेस्टो के, हमारा घोषणा पत्र किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, उस पर कोई भाषण भी नहीं होते, राजनीतिक मंच से कोई बोलता भी नहीं कि हमारा वादा क्या है, और चुनाव आप खो देते हो ऐसे ही। ये चुनाव आप खो देते हो, चुनाव बाद एहसास होता है पब्लिक को कि तुमने खो दिया चुनाव, हमें पता ही नहीं क्यों हमने वोट दी, हमने कुछ मांगा ही नहीं। आज बीजेपी के जितने विधायक हैं, क्या उन्होंने गांव में जाके वोट भी मांगी थी? चेहरा भी नहीं दिखाया। वो सब ने कहा हम तो विधायक को देख नहीं रहे, हम तो मोदी जी को देख रहे हैं। उन्होंने मोदी जी से भी कुछ नहीं मांगा, तब तो योगी जी का चेहरा ही नहीं था किसी के सामने कि योगी बनेंगे, शायद वे भी नहीं चाहते थे कि योगी बने। तो हमारे पास मुद्दा क्या था पिछले चुनाव में, याद करो, कोई मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं था। किसी से नाराज हो जाते हो और दूसरी तरफ चल पड़ते हो। मुद्दों को लेकर हमें चलना चाहिए। और क्या मकसद है राजनीति का? मैं उस सिस्टम के अंदर रहा हूं, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैंने बहुत चीज अंदर से देखी है, बारीक से देखी है। क्यों लोग राजनीति में आकर्षण के साथ आते हैं, क्यों लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं जानता हूं अधिकतर लोग उनमें ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी कहानी सजानी है, उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं। लेकिन जिस दिन देश की आवाम, जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाएगा और मांगने लगेगा, जवाब मांगेगा, सवाल करेगा, हिसाब मांगेगा, भ्रष्टाचार खत्म, ऐसे मक्कारों का राज खत्म हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं हम लोग क्या करेंगे, जो हमने तय कर दिया और कुछ घोषणा में कर चुका हूं, मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है, कहती है प्रधानमंत्री सम्मान योजना, कुछ नहीं है 6,000। डीजल और पेट्रोल के भाव देखो, बिजली के भाव को देखो, भरपाई नहीं हो रही। ये भी कम होगा मैं जानता हूं, लेकिन अपने तरफ से यह घोषणा करके मैं औरों पर दबाव बना रहा हूं। और हमने इसलिए घोषणा की है कि 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस है, ये 6,000 देते हैं, हम किसानों को 12,000 देंगे, और जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, प्रतिवर्ष उनको 15,000 सरकार देगी। बिजली की जो मार पड़ रही है, मैं पूछना चाहता हूं, जो बिजली का बिल आप पे आ रहा है, और जो कृषक हैं, जो खेती जिन पे है, जो बड़े रकबे वाले किसान हैं, उनकी फिर भी स्थितियां अलग हो सकती हैं, जो घर सिर्फ मजदूरी कर रहा है। आपको बताया गया था घर घर में मीटर लग रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ, अब बिल कहां से दे रहे हो? दे पा रहे हो बिल? बिल दे पाओगे? चुका पाओगे बिल को? किसानों पे तो FIR हो जाती है तुरंत। हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार आएगी तो किसान का पुराना बिल जो बकाया वो माफ, और आगे की दर हाफ। किसान के साथ बुनकर को भी हमने जोड़ा, क्योंकि बुनकर हमेशा जो है फ्लैट रेट की मांग, पहले उनको मिलता था फ्लैट रेट पर, सरकार को उनकी पूरी जानकारी है, बैंक के खाते भी उनके अलग हैं, इसलिए किसान और बुनकर के लिए विशेष हमने ये राहत हमने सोची। और नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ी बात, नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, कोई छोटा आंकड़ा मैं नहीं रखने वाला हूं, बहुत सोच समझ के हमने विचार करके कहां से सृजन हो सकता है, कहां से नौकरी मिल सकती है, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उनको तलाश करके बोल रहा हूं कि हम 1 करोड़ हमारे प्रदेश के होनहार मेहनतकश नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे। 5 साल बाद आप हिसाब ले सकते हो, पूछ सकते हो किस क्षेत्र में कैसे जुड़ेगा। अभी डॉक्टर यशवीर जी कह रहे थे गन्ना उद्योग, यहां फैक्ट्री है, यहां के किसानों की उम्मीद है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए,
बढ़नी चाहिए कैपेसिटी, गन्ने की यहां खपत हो जाएगी उसकी अगर कैपेसिटी बढ़ाई जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, चौधरी अजीत सिंह जी ने मिल लगाई थी। कोई आदमी कहेगा 1 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप हिसाब लगाओ जो यूपी में उस समय जो मिल लग गई, कई करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है इतने सालों में। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, कितने लोग खेत में मजदूरी कर रहे हैं। नकदी फसल, बढ़िया पैदावार देने वाली फसल आपने तैयार की और मिल नहीं होती तो आपको रेट नहीं मिलता। तो एक नई क्रांति, अब हमें हरित क्रांति की जरूरत नहीं है, हमें क्रांति लानी है तो कृषि आधारित उद्योग में क्रांति लानी होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्रांति लानी होगी। मैं किसान की वकालत करता हूं तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने क्षेत्र में उद्योग नहीं लगवाना चाहता। कितनी जमीन बची है, आने वाली पीढ़ियों में कितनी जमीन बांट लोगे? किसान के घर में जो बच्चे पल रहे हैं, आप पूछ के देख लीजिएगा, आधे से ज्यादा बच्चे भी खेती नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कि फायदे का सौदा नहीं है। हम उनके लिए क्या, उनको क्या व्यवस्था बना के दे रहे हैं? उनको यही बताया जा रहा है ना कि तुम मुंबई दौड़ो, कलकत्ता दौड़ो, दिल्ली दौड़ो, मजदूरी करो, जो नौकरी मिल जा करो, पक्की नौकरी हो ना हो दिन का गुजारा करो, भूल जाओ कि तुम्हारे पास खेत है, जमीन है, गांव है, घर है। और यूपी का नौजवान जाता है नौकरी लेने के लिए। लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर प्लांट लग जाए, अरे चावल से भी दारू बन सकती है, आपके मक्के से बन सकती है, आलू से है, बहुत बड़ा उद्योग आप लगा सकते हो। हमने टारगेट किया है कि 5 साल के अंदर 25,000 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सरकार निवेश लाएगी, व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। 25,000 करोड़, कितना रोजगार उससे पैदा हो सकता है। और योगी जी, जो इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ था, 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, 4.3 लाख करोड़ का निवेश आएगा ये घोषणा हुई थी। 1,000 से ज्यादा नई परियोजना की घोषणा हुई थी, सिर्फ 9 चालू हैं, 9। 1,000 से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा हुई, 9 चालू हैं। लाखों करोड़ की बात करते हैं। जब मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, रोजगार का हिसाब कैसे तैयार होगा? ये जो इन्वेस्टर समिट होता है, जो बाहर की कंपनी आके निवेश कहती है, हम वादा करते हैं हम निवेश करेंगे, हम उसकी घोषणा नहीं करेंगे कि इतने हजार करोड़ आ रहे हैं। तो आज के समय में ये पूंजी एक दिन में आ सकती है, अगले दिन जा सकती है। कोई उद्योगपति अपने जेब से निकाल के पैसा नहीं लगाता, वो हमारे बैंकिंग सिस्टम से पैसा लेते हैं, हमारे गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं, 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ में दिखाते हैं कि 100 करोड़ का हम परियोजना ला रहे हैं। हमें इसलिए वो उस आंकड़े से कोई मतलब नहीं। सरकार हर फैसले में यह देखेगी इससे रोजगार कितना पैदा हो। और जब हम इन्वेस्टर समिट करेंगे तो हम आपको यह बताएंगे कि यह जो पैसा आ रहा है इससे नौकरी कितनी मिलेंगी, नौकरी का हिसाब। और मैं लास्ट बात जो कह रहा हूं, जो घोषणा, हम लोग और आप लोग विधानसभा की चर्चा पर कितना ध्यान देते हो? एक साधारण किसान कितना उस बात को देखता है कि मेरे लखनऊ की विधानसभा में मेरी कितनी बात उठाई जा रही है? हिसाब भी नहीं ले पाते। किसान की कितनी बात होती है वहां, कितनी चर्चा होती है कि कृषि का बजट है कितना है कि कोई है या मालूम जिसको कृषि बजट कितना था? दूध उत्पादकों के लिए पशुधन जिसे कहते हैं, जो किसान उस पर निर्भर है, उनके लिए क्या था पिछले बजट में? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो कृषि का अलग बजट होगा, जैसे पहले केंद्र में रेल का बजट होता था। उससे क्या होगा? सरकार पे दबाव रहेगा। हर साल उनको बताना पड़ेगा ये हमारा बजट है, ये हमारी योजना है, कितना खर्च हो रहा है। विधायकों को मौका मिलेगा खड़े होकर सवाल करें, अपने सुझाव दें, हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, फसल बीमा योजना का किसान को लाभ नहीं मिल रहा, धान का रेट आप सरकारी रेट कुछ और बताते हो, यहां 1,100 मिल रहा है। अब ये सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा, विधानसभा में चर्चा नहीं होती, आपको तो पता ही नहीं लग पाता क्या हो रहा है।
और कितना आसान है, भाजपा के विधायक आते कहते सब हमारी चल नहीं रही, इनके षड्यंत्र को समझिए। विधायक आपने बनाया काम कर लेने के लिए, और विधायक बनने के बाद कहते हैं हमारी चल नहीं रही, आधे से ज्यादा के टिकट मोदी जी काट देंगे और फिर कहेंगे मोदी जी मुझे देखो। नहीं, पहले विधायक का चुनाव होता है, पहले आपको विधायक को देखना है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और बाकी मैं देख रहा था यहां फोर्स बहुत ज्यादा लगी है, इतने पुलिसकर्मी तो हमारी ड्यूटी में लगने की जरूरत नहीं थी, ना तो यहां हम कुछ उखाड़ने वाले थे ना कुछ बिगाड़ने वाले थे। यहां इतने अपराध यूपी में हो रहे हैं, फोर्स को तो वहां लगना चाहिए। लेकिन पुलिसकर्मियों के संबंध में भी हमने बड़ी बात कही है, हम इन्हें दोष दे देते हैं जब अपराध होता है हमारे मोहल्ले में, 2 मिनट नहीं लगाते, कहते हैं कि पुलिस तंत्र बेकार है, बिल्कुल फिसड्डी है, भ्रष्ट है लोग, सुधार कैसे होगा। जब तक हम पुलिसकर्मियों जो तैनात हैं, जिनकी बहुत कठिन ड्यूटी है, बहुत कठिन ड्यूटी है, रहने वाला रामपुर का है, ड्यूटी लगी गाजीपुर में, घर वालों को नहीं देख सकता, हम जैसे लोगों का कार्यक्रम लगता है तो 10 घंटे खड़ा कर दिया जाता है, ड्यूटी के कोई निर्धारित समय नहीं है, कितने देर कितने समय तक उसको ड्यूटी पे रहना है। जब तक इनके मनोबल के लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे, चौधरी चरण सिंह जी ने गृह मंत्री रहते हुए देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था। लोग इल्जाम लगाते हैं, योगी जी आके कहेंगे मैंने गुंडों को भगा दिया, उनके नजर में किसान गुंडे हैं और किसी को नहीं भगाया, लेकिन कोई समाधान की बात नहीं करता। मैं आपको समाधान बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, पुलिस की ड्यूटी निर्धारित समय की होगी, प्रकाश जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, पूर्णतः हमारी सरकार आएगी उसका पालन होगा, बॉर्डर स्कीम को हम हटाएंगे, और दूसरे राज्यों की तरह हमारे यहां उम्र घटी थी, 22 साल की उम्र कर दी भर्ती के लिए, कहां से आएगा रोजगार, रोजगार यहां से आएगा, हम उस 22 साल को 28 साल करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, ताकि हमारे बच्चे पुलिस की नौकरी हासिल कर पाए। पिटारा बहुत बड़ा है मेरे पास, कुछ बातें मैंने यहां रखी हैं, कुछ बातें लखनऊ में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, लोक संकल्प 2022 के नाम से हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, विस्तृत चर्चा उसके बाद होगी। आज मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, नवरीत जी के पिताजी भी यहां मौजूद हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद लूंगा, और उनके परिवार के लिए मैंने जो बात कही है कोई हल्की बात नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के उस बात को हम कह रहे हैं। शहीद के जो पुलिसकर्मी, आर्मी के जो लोग शहीद होते हैं वही शहीद का दर्जा, और हमने ये भी नीति बनाई है कि जो पुलिस ऑन ड्यूटी कोई शहीद होता है, पैरामिलिट्री का, आर्मी का जवान हमारा शहीद होता है, हमारी सरकार नीति बनाएगी। अभी भी नीति है लेकिन कुछ समझ नहीं आता, किसी को 20 लाख दे देते हैं, किसी को 40 दे देते हैं, किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम योजनागत तरीके से काम करेंगे, जो शहीद होगा उसको 1 करोड़ की राशि उसके परिवार को सौंपी जाएगी। मैं फिर धन्यवाद देता हूं, और इस परिवार का और इनका और अपने किसानों की पार्टी का आप ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। इस सभा में आने का बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शांति से उठें और अपने अपने घर की तरफ वाहन से, जिस तरीके से जो लोग आए हैं, सागिर भाई, और बहुत सही ढंग से जाइए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।